Hello learners, how are you all? I hope you are doing really good at home. The next topic we are going to start in this chapter, that is remainder theorem and factor theorem. But before that I want to cover long division method. ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम ये देखेंगे कि कैसे एक पॉलीनोमियल को दूसरे पॉलीनोमियल से डिवाइड करते हैं. अरिथमेटिक में डिवीजन आपको आता है, दैट वी यूज टू स्टार्ट फ्रॉम फोर्थ क्लास ऑनवर्ड्स. ठीक है, तो आप अरिथमेटिक के डिवीजन से अवेयर होते हो, लेकिन मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि पॉलीनोमियल में अलजेब्रा में हम कैसे लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करते हैं. तो पॉलीनोमियल का लॉन्ग डिवीजन स्टार्ट करने के पहले हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि हम अरिथमेटिक में कैसे डिवीजन परफॉर्म करते थे, क्योंकि यहाँ के लॉन्ग डिवीजन में और अरिथमेटिक के लॉन्ग डिवीजन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. प्रिंसिपल्स आर सेम, जो तरीका है, जो प्रिंसिपल है, वो पूरा सब कुछ सेम है. सिर्फ चेंज है तो प्रोसेस चेंज है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल के साथ हम डील कर रहे हैं, वहाँ पे किसके साथ हम डील करते हैं, नंबर्स के साथ डील करते हैं. तो एक एग्जांपल से देखते हैं हम कि कैसे हम अरिथमेटिक में डिवीजन परफॉर्म करते थे. मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं 3, 4, 3 को मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ 7 से. तो प्रोसेस यहाँ पर क्या होता था कि आप सबसे पहला डिजिट देखोगे तो 3 इज लेस देन 7, सो वी हैव टू टेक 2 डिजिट टुगेदर. ठीक है, अब यहाँ 7 में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे 34 आ जाए, या फिर 34 से थोड़ा सा कम हो, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए. सो इट विल गो बाय 4. ठीक है, 4 टाइम जाएगा. मैं 7 4 जा 28 यहाँ पे आएगा. अब अगर मैं यहाँ पे मैं बात करूँ, अगर मैं यहाँ 5 टाइम ले जाता तो 7 5 जा 35 हो जाता, जो कि 34 से ज़्यादा हो जाता. अगर मैं 7 3 जा ले जाता 21 हो जाता, तो वो ज़्यादा छोटा हो जाता. तो कुल मिला के जो अप्रोप्रिएट नंबर है वो 4 ही है. तो यहाँ पे नंबर्स हैं तो हम समझ पा रहे हैं कि 28 भाई 34 के कितने नहीं आ रहे. यही कुछ कुछ रूल्स हैं जो पॉलीनोमियल में अलग हो जाएंगे. ठीक है, देखते हैं पहले परफॉर्म करके. तो 6 आया यहाँ पे, इसका सब्ट्रैक्शन. ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये भी ध्यान देने के कि हम यहाँ पे एक नंबर को दूसरे नंबर से सब्स्ट्रैक्ट करते हैं. ये सेम पॉलीनोमियल में भी हम करेंगे. यहाँ 6 आया, देन 3 आई विल कैरी, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा. अब यहाँ पे हाउ मेनी टाइम इट विल गो, फिर से वही चीज़ कि 7 में से हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 63 आ जाए, या फिर उससे थोड़ा सा कम आए, बहुत कम ना आए और उससे ज़्यादा भी ना हो. सो फॉर्चुनेटली 9 इज द एप्रोप्रिएट नंबर, राइट, एंड देन बाय 9 यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर. तो 7 9 7 जा 63. ठीक है, अगेन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट एंड इट विल कम 0. एंड नाउ नो मोर डिजिट्स आर रिमेनिंग. तो कुल मिला के यही हम रुक जाएंगे और ये हमारा बन जाएगा रिमाइंडर. आपको ये पता होना चाहिए कि किसको हम बोलते क्या है, ये आपको पहले से ही पता होगा. इसको रिमाइंडर हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेसिकली डिवीज़र. इसको हम डिवीज़र बोलते हैं, इसको हम डिविडेंट बोलते हैं, और इसको हम कोशियंट बोलते हैं. तो एक और एग्जांपल देखते हैं अरिथमेटिक का. मैं इस बार ले रहा हूँ 3 एज अ डिवीज़र एंड डिविडेंट आई एम टेकिंग 4 2 5. ठीक है, तो यहाँ मैं 3 से डिवाइड करने आ रहा हूँ. तो सबसे पहले मैं पहला डिजिट देखता हूँ, ये 3 से बड़ा है, तो 1 टाइम इट विल गो 3 एंड 1 विल बी रिमाइंडर. देन अगेन 2 आई विल कैरी, तो 2 विल कम हियर. देन 3 4 जा 12, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा. ठीक है, लेकिन एक डिजिट बचा हुआ है तो इसको हम यहाँ पे कैरी कर लेंगे, ये 5 आ जाएगा. अब फिर से 5 को 3 से 5 1 टाइम जाएगा, राइट, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा एंड रिमाइंडर विल बी 2. अच्छा, इसके बाद कोई नंबर बचा हुआ क्या? नंबर नहीं बचा हुआ, कोई भी डिजिट बाकी नहीं है. और हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें किसके बाद रुक जाना है, आगे डिवीजन परफॉर्म नहीं करना है? तो वो पहचानने का तरीका ये है कि अगर रिमाइंडर डिवीजर से छोटा हो जाए, जो रिमाइंडर है डिवीजर से छोटा हो जाए, वहीं पर हम रुक जाएंगे, अगर कोई फर्दर डिजिट नहीं है तो.
तो ये कॉन्सेप्ट सेम एज इट इज पॉलिनोमियल में भी इम्प्लीमेंट होता है कि हमें कब रुकना है. सो लर्नर्स, वी हैव सीन टू एग्जांपल्स ऑफ अरिथमेटिक कि वहाँ पे हम डिवीजन कैसे परफॉर्म कर रहे थे. वहाँ पे हम जितने भी मेथडोलॉजी परफॉर्म कर रहे थे वो सारे के सारे मेथडोलॉजी हम पॉलिनोमियल में भी परफॉर्म करने वाले हैं. ठीक है, उसका एक एक प्रोसेस, उसका एक एक मेथडोलॉजी, वो सब कुछ अप्लीकेबल होने वाला है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से अप्लीकेबल होगा बिकॉज हियर वी आर डीलिंग विद द वेरिएबल. ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन का. तो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन पता क्या बोलता है कि जो डिविडेंट होता है जिसको हम डिविजर से डिवाइड करते हैं और उसके बाद जो हमें कोशेंट मिलता है और जो रिमाइंडर मिलता है, तो कुछ इनके बीच में ऐसा रिलेशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा. और ये रिलेशन जो है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन, और ये हमेशा सही रहेगा, हमेशा ट्रू है. ठीक है, दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. ये जो रिलेशन है वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा. मैं इसी सेम प्रिंसिपल को पॉलिनोमियल में भी लिखने जा रहा हूँ, क्योंकि पॉलिनोमियल में भी ये बिल्कुल 100% सही है. तो पॉलिनोमियल में ही सेम रिलेशन को लिखने जा रहा हूँ. मैं पॉलिनोमियल में डिविडेंड को पी एक्स मानने जा रहा हूँ और डिविजर को मैं मानने जा रहा हूँ जी एक्स. ठीक है, क्वेश्चन को मैं क्यू एक्स मानने जा रहा हूँ, स्मॉल लेटर आई विल कंसीडर क्यू एक्स, और रिमाइंडर को मैं आर एक्स मानने जा रहा हूँ. ठीक है, और थ्रू आउट जब भी मैं डिवीजन की बात करूँगा तब मैं डिविडेंड को हमेशा पी एक्स यूज करूँगा और डिविजर को मैं जी एक्स यूज करूँगा, क्वेश्चन को क्यू एक्स और आर एक्स को रिमाइंडर. ठीक है, तो ये कुछ नोटेशंस हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है. ठीक है, अब ये रूल से मैंने पॉलिनोमियल के लिए भी लिख दिया है. अब अरिथमेटिक में क्या था कि वहाँ पे नंबर्स होते थे, तो आपको पता चल जाता था कि बेसिकली कब डिवाइड करना है, कहाँ पे रुकना है, जब नंबर छोटा आ जाए तो रुक जाना है. लेकिन यहाँ पे हम डील करेंगे विद द वेरिएबल. ठीक है, तो वहाँ पे जो रूल्स होते थे आप ओरली समझ लेते थे, लेकिन यहाँ पे जो रूल्स हैं हमें नोट डाउन करने पड़ेंगे कि उनको आप देख कर रूल अप्लाई कर सको, उनको समझ कर आप रूल अप्लाई कर सको. तो उस लाइन में जो पहला रूल है वो ये है कि डिग्री ऑफ पी एक्स जो कि डिविडेंट है, उसकी डिग्री हमेशा डिग्री ऑफ जी एक्स से बड़ी हो या फिर बराबर हो. ये कंडीशन है, ये पहली कंडीशन है जब आप डिवीजन परफॉर्म कर सकते हो पॉलिनोमियल में. ठीक है, वहाँ भी यही था कि अगर आपको डिवीजन परफॉर्म करके रिमाइंडर वगैरह कुछ लाना है तो जो नंबर डिविडेंट है वो डिविजर से बड़ा होना चाहिए, अदरवाइज वो डेसिमल में आने लग जाएगा नंबर. ठीक है, कुल मिला के रिजल्ट क्या आने लग जाएगा, डेसिमल में आने लग जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करूँ सेम यहाँ भी यही कि डिग्री ऑफ जो डिविडेंट है वो डिग्री ऑफ डिविजर से बड़ा होना चाहिए, बड़ा या फिर बराबर होना चाहिए. जो दूसरी कंडीशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे हमने देखा था कि रिमाइंडर जब बचा था, ठीक है, टू बचा था, जो दूसरा वाला अरिथमेटिक का मैंने एग्जाम्पल लिया था तो उसमें रिमाइंडर लास्ट में टू बचा था, तो वहाँ मैंने छोड़ दिया था क्योंकि टू जो है डिविजर मतलब थ्री से छोटा था, तो वहीं मैंने छोड़ दिया था उसको कि इसके फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता. तो सेम यहाँ भी यही रूल है कि अगर डिग्री ऑफ जी एक्स जो है बड़ा हो जाए डिग्री ऑफ आर एक्स के तो वहीं पे हम रुक जाएंगे. या फिर आप ये कह लो कि डिग्री ऑफ आर एक्स जब हम डिवीजन करके रुक जाएंगे तो डिग्री ऑफ आर एक्स जो है हमेशा डिग्री ऑफ जी एक्स मतलब डिविजर के डिग्री से छोटा रहेगा. ये रूल हम डिवीजन करते वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हैं. यही रूल हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है. कैसे मदद करता है, लेट्स सी थ्रू अ एग्जांपल. आई एम गोइंग टू टेक एज अ डिविडेंट पी एक्स दैट इज एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस नाइन, और यहाँ पे मैं जी एक्स मतलब डिविजन लेने जा रहा हूँ एक्स माइनस वन, ये मैं डिवीजन लेने जा रहा हूँ. अरिथमेटिक में जो लिखने का तरीका था कि आप डिवीजन लिखते थे उसके बाद डिवाइड का साइन बना के आप डिविडेंड लिखते थे, सेम तरीका यहाँ भी फॉलो होने जा रहा है. तो यहाँ पे भी x माइनस वन एज अ डिविजर मैं वैसे ही लिखूँगा जैसे मैं अरिथमेटिक में लिखता था, और उसके बाद मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा डिविडेंट
दैट इज एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x + 9। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, डिविडेंड लिख दिया है, ठीक है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यू नो राइट हैंड साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड में एक रफ कॉलम का कॉलम क्रिएट कर लें, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे रफ कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको प्रोसेस बताता जाऊँगा, क्योंकि जब तक आप एक्सपर्ट नहीं बन जाते हो तब तक आपको रफ कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पर हम ये देखते थे ना कि मैं इस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि ये हमारा जो डिविडेंड में नंबर है वो आ जाए। सेम यहाँ पे भी यही करना होता है मुझे कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवीज़र देखना होता है और फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड देखना होता है कि एक्स में से मैं किस नंबर से, लेकिन नंबर तो यहाँ पे आएगा नहीं, तो मैं क्या यूज करूँगा, नंबर की जगह मैं टर्म यूज करूँगा कि एक्स से मैं किस टर्म से मल्टीप्लाई कर दूँ कि एक्स क्यूब आ जाए। सो दैट नंबर इज बेसिकली एक्स स्क्वायर, दैट टर्म इज बेसिकली एक्स स्क्वायर, ठीक है। जिनको ये ना समझ में आ रहा हो तो इसीलिए मैंने रफ कॉलम बनाया हुआ है कि तरीका कैसे है, तरीका क्या है क्वेश्चन का टर्म ज्ञात कर, क्वेश्चन का टर्म गेट करने का। तो क्वेश्चन का टर्म गेट करने का तरीका ये है कि फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड, मेरे वर्ड ध्यान देना, फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड दैट इज एक्स क्यूब अपॉन फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविजर दैट इज एक्स, ठीक है। थ्री में से एक माइनस गया, ये एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर में आपको बताया गया है कि इफ बेस आर सेम सो पावर विल गेट सब्ट्रैक्ट, सो 3 - 2 एंड इट विल कम ओनली एक्स स्क्वायर, इसे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे जैसे एक्स स्क्वायर आया वैसे मैं क्वेश्चन का टर्म कॉपी कर लूँगा। सो लॉन्ग डिविजन परफॉर्म करने के पहले मैं आपको स्टेप बताऊँगा कुछ कि कैसे हम लॉन्ग डिविजन को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। पहला स्टेप ये है टू गेट कोशियंट टर्म, आपको क्वेश्चन टर्म गेट करना होता है, जो सबसे पहला स्टेप होता है क्वेश्चन टर्म गेट करना होता है। और कैसे क्वेश्चन टर्म गेट करते हो, या तो आप यहाँ रफ कॉलम में ऐसे डिवाइड करके गेट कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट गेस करके कि मैं यहाँ पे एक्स में से किस टर्म का मल्टीप्लाई करूँ कि एक्स क्यूब आ जाए, तो डायरेक्ट गेस करके भी कर सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पे अलग से यू नो कैलकुलेशन परफॉर्म करके भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो जो सबसे पहला स्टेप है टू गेट क्वेश्चन टर्म, और जैसे ही क्वेश्चन टर्म हमारा आ जाता है वैसे स्टेप सेकेंड क्या है, क्योंकि क्वेश्चन का टर्म आ गया लेकिन अब बात क्या, इसके बाद हम क्या करेंगे, तो सेकंड स्टेप है मल्टीप्लाई, सेकंड स्टेप क्या है मल्टीप्लाई क्वेश्चन टर्म, मल्टीप्लाई क्वेश्चन टर्म, क्वेश्चन टर्म टू क्वेश्चन टर्म, मैंने बोला मतलब जो पर्टिकुलर टर्म होगा वहां डिवीजन परफॉर्म करने के बाद जो पर्टिकुलर टर्म आएगा उस टर्म को मल्टीप्लाई क्वेश्चन टर्म टू होल डिवीजर, टू होल डिवीजर, पूरे डिवीजर को मुझे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब जो एक्स स्क्वायर आया है इसको मैं होल डिवीजर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अलग से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, इफ़ यू आर नॉट गुड एट मल्टीप्लाई तो यहाँ से अलग से मल्टीप्लाई करके देख लो, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन, तो यहाँ बेसिकली जो है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इट विल कम एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, सेम थिंग आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। सेम जैसे अरिथमेटिक में हम एक नंबर से दूसरा नंबर सब्ट्रैक्ट करते थे, तो यहाँ पे भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर मैं पॉलीनोमियल को सब्ट्रैक्ट करूँगा एक दूसरे से तो साइन यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, मतलब अगर बाई डिफॉल्ट, मतलब अगर यहाँ कुछ साइन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट माइनस साइन है, या माइनस साइन है तो ये प्लस साइन हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये बेसिकली आ जाएगा -2x², ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म हम कैरी कर लेंगे एज वी वर डूइंग देयर इन द अरिथमेटिक, तो +5x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, 5x आ गया। अब आपके लिए ये नया डिविडेंड बन गया है, क्या बन गया है, नया डिविडेंड बन गया है। तो सेम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे टू गेट क्वेश्चन टर्म, ठीक है। अब टू गेट क्वेश्चन टर्म के लिए मुझे क्या करना पड़ता है कि डिविडेंड का फर्स्ट टर्म दैट इज -2x² अपॉन डिवीजर का फर्स्ट टर्म दैट इज x, ठीक है। तो मुझे पता है कि 2 दे बोथ हैव सेम बेस, तो 2 - 1 ओनली 1 विल बी रिमेनिंग एंड दैट विल आफ्टर डिवाइडिंग इट इट विल कम 2x। तो 2x मुझे अनादर टर्म मिल गया है, वो भी माइनस का है ये, क्योंकि माइनस साइन भी है तो ये माइनस साइन भी आएगा, तो ये बेसिकली किस साइन में आएगा, माइनस साइन में आएगा -2x। अब मुझे क्वेश्चन का टर्म गेट हो गया है, और जैसे क्वेश्चन का टर्म गेट हो जाएगा वैसे सेकंड स्टेप क्या, मल्टीप्लाई क्वेश्चन टर्म टू द होल डिवीजर। सो क्वेश्चन टर्म दैट इज -2x
एंड व्हाट इज डिवीजर, दैट इज एक्स माइनस वन. तो x माइनस वन को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स. ठीक है, तो ये बेसिकली माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स आ गया. ये सेम आई एम गोइंग टू कॉपी ओवर हियर, तो माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स ये आ गया. अगेन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट. ठीक है, ये हमें प्रोसेस पता है पहले से, माइनस साइन है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा. मतलब इस एक्सप्रेशन को मैं इस एक्सप्रेशन में माइनस करूंगा, जब माइनस करूंगा तो साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड इट विल कम 3x. वन मोर टर्म इज रिमेनिंग दैट वी विल कैरी फर्दर, 3x प्लस 9. यहाँ पे 3x प्लस 9 लिख लिया. अगेन ये नया डिविडेंड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये नया डिविडेंड बन जाएगा. ठीक है, तो अब ये नया डिविडेंड बन गया तो फिर से प्रोसेस सेम है. स्टेप वन क्या है, टू गेट कोशियन टर्म. कोशियन टर्म गेट करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड, ठीक है, दैट इज 3x अपॉन फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविजर दैट इज x. सो द आंसर विल कम आफ्टर डिवाइडिंग इट 3, x x विल कैंसिल आउट एंड 3 विल कम. तो 3 मैंने लिख दिया, वो भी साइन 3 का क्या है, प्लस, तो प्लस 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया. मैंने क्या लिख दिया, प्लस 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया है. ठीक है, अब प्लस 3 लिखने के बाद सेकेंड स्टेप क्या, मल्टीप्लाई कोशियन टू द मल्टीप्लाई कोशियन टर्म. कोशियन टर्म कितना आया, 3 आया, टू होल डिवीजर, होल डिवीजर से मल्टीप्लाई कर देना. जिनको यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना नहीं आ रहा तो वो अलग से कॉलम में कर सकते हैं, 3 इंटू एक्स माइनस 1 दैट विल कम 3x माइनस 3. सेम थिंग आई एम गोइंग टू कॉपी ओवर हियर, 3x माइनस 3, राइट, एंड देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन टू दिस एक्सप्रेशन. ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लस साइन है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, दिट विल बी कैंसिल आउट एट विल कम 12, ये 12 आ जाएगा. ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा. तो बेसिकली अब मुझे 12 दिख रहा है, तो 12 बेसिकली क्या है, इसके बाद कोई टर्म रिमेनिंग है, नहीं टर्म रिमेनिंग नहीं है. और क्या मैं फर्दर इसको डिवाइड कर सकता हूँ, क्या डिवाइड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है. कॉन्स्टेंट मतलब कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 0 होती है. इसकी डिग्री कितनी है, 1 है. तो जब मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ पॉलीनोमियल ऑफ लॉन्ग डिवीजन बता रहा था तो वहाँ पे मैंने जो सेकंड कंडीशन बताई थी वहाँ पे क्या बताया था, डिग्री ऑफ gx मस्ट बी ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ rx. तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि जब डिग्री ऑफ rx डिग्री ऑफ gx से छोटा हो जाएगा तो वहीं पे हम छोड़ देंगे, अगर कोई फर्दर टर्म नहीं है तो. ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट. लेट मी शो यू अनदर एग्जाम्पल ऑल्सो, तो उससे थोड़ा और पिक्चर आपकी और क्लियर हो जाएगी. यहाँ पे मैं डिवीजर डिफरेंट लूँगा, दैट आई एम गोइंग टू टेक एक्स स्क्वायर प्लस 3. मैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 लेने जा रहा हूँ. तो सेम प्रोसेस है एंड सेम मैथडोलॉजी है, ये सेम स्टेप्स हैं, सेम रफ कॉलम है, सारी चीज़ें आपको व्यवस्थित करके रख लेना है. नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म लॉन्ग डिवीजन मैथड इन पॉलिनोमल. तो सेम वही तरीका है कि आपको फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड लेना होता है अपॉन फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविजर, मतलब रफ कॉलम में एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड अपॉन फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविजर एंड दैट विल कम ओनली एक्स. ये कितना आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स आ जाएगा. आई होप यू आर गेटिंग इट. तो सेम यही एक्स मैं यहाँ पे एज अ कोशियंट लिख लूंगा, कोशियंट मैं लिख लूंगा क्योंकि पहला स्टेप ही यही हमारा, टू गेट कोशियंट टर्म. ठीक है, तो क्वेश्चन टर्म मुझे मिल गया, जैसे क्वेश्चन टर्म मिल गया देन मल्टीप्लाई क्वेश्चन टर्म टू द होल डिवीजर, मल्टीप्लाई क्वेश्चन टर्म टू द होल डिवीजर, मतलब x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3. सो देन x विल मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर दैट विल बिकम एक्स क्यूब प्लस 3x. ठीक है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 3x आ जाएगा. अब जैसे ही एक्स क्यूब प्लस 3x आएगा, मैं जानता हूँ कि पहले एक्सप्रेशन में से दूसरे एक्सप्रेशन को सब्सट्रैक्ट कर देना होता है, तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे कोई साइन नहीं, प्लस है तो मतलब ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा. ठीक है, दोनों माइनस हो जाएंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे ये 3x स्क्वायर है, ये 3x है, ये लाइक टर्म नहीं है. लाइक टर्म अनलाइक टर्म आप 7th 8th में पढ़ चुके हो. ठीक है, जिनके वेरिएबल्स के पावर भी सेम हो वही बेसिकली लाइक टर्म होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक एक्स है, तो ये दोनों आपस में ना तो जुड़ सकते हैं ना घट सकते हैं. तो मैं एज इट इज लिखूंगा माइनस 3x स्क्वायर. लेकिन बात 3x की, अगर मैं माइनस 3x की बोलूँ तो यहाँ पे अगर माइनस में 3x लिखता हूँ, ठीक है, तो मैं अनादर टर्म अगर कैरी करूँ तो दैट इज 5x. ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये दोनों लाइक टर्म है,
अगर लाइक टर्म है तो इसको मैं अलग अलग करके नहीं ले सकता, जैसे एक तरह के आदमी होते हैं वो एक ही जगह रहते हैं, ऐसा नहीं अलग अलग होकर रहे। तो कुछ ऐसा आप समझ लो कि अगर ये लाइक टर्म है तो बेसिकली ये दोनों को मैं अलग अलग नहीं लिख सकता हूँ, मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा। सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 5 - 2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा प्लस का 2x हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है, तो इसलिए मैंने एग्जांपल लिया कि आपको विद इन एक्सप्रेशन भी कुछ ना कुछ कैलकुलेट करना होता है कभी कभी। तो चलो -3x² + 2x आ गया, अब उसके बाद ये जो है बन गया मेरा नया डिविडेंड। ये क्या बन गया है, नया डिविडेंड बन गया है। अगेन वही सेम प्रोसेस, द फर्स्ट स्टेप इज टू गेट कोशेंट टर्म। क्वेश्चन टर्म गेट करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड दैट इज -3x² / फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवीजर दैट इज x² एंड इट विल कम -3। ये -3 आ गया ना, ठीक है। जैसे ही -3 आया वैसे मैं क्वेश्चन का टर्म मिल गया, मतलब -3 मुझे मिल गया। सेकंड स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई क्वेश्चन टर्म टू द होल डिवीजर दैट आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई। यू कैन मल्टीप्लाई दैट एल्स यू कैन मल्टीप्लाई इन द रफ कॉलम। सो -3 × x² + 3, सो यू कैन सी ओवर हियर -3x² - 9। सेम थिंग आई एम टू कॉपी ओवर हियर, तो आई एम गोइंग टू कॉपी ओवर हियर -3x² - 9। अगेन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन, सो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस वाला प्लस हो जाएगा, बोथ आर कैंसिल आउट एंड इट विल कम 2x हम पहले लिखेंगे, देन +9 लिखेंगे, और फिर ये देखेंगे कि क्या कोई अनादर टर्म बचा है क्या। तो हाँ अनादर टर्म बचा है 9, तो दैट वी विल कैरी ओवर +9। फिर हमें यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये दोनों लाइक टर्म है, लाइक टर्म मतलब दोनों नंबर्स हैं, तो वी हैव टू सिंप्लीफाई इट। सिंप्लीफाई का मतलब हम दोनों को ऐड कर देंगे एंड रिजल्ट विल कम 18। तो 2x + 18। अब बात क्या आई कि आपको ये लग रहा होगा अभी x बचा हुआ है, हमें रिमाइंडर में तो कुछ प्योर नंबर मिलना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे x बचा हुआ है, और दूसरी बात ये भी कि इसके फर्दर डिवीजन नहीं करेंगे हम, इसका फर्दर डिवीजन नहीं जाएगा, क्योंकि अब ये जो रिमाइंडर है इसकी डिग्री है 1, जो डिवीजर है उसकी डिग्री है 2, रिमाइंडर की डिग्री डिवीजर से डिग्री कम है, तो वहीं पे हम रुक जाएंगे क्योंकि अब फर्दर भी कोई टर्म नहीं रह गया है डिविडेंट में, तो यहीं पे हम रुक जाएंगे। सो दिस विल बिकम आर एक्स राइट एंड दिस विल बिकम क्यू एक्स राइट एंड इट इज बेसिकली यू नो डिवीजर एंड दिस इज डिविडेंट। तो आपको ये पहले से पता है, आपको लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म ऐसे करना होता है जो मैंने रूल बताए थे कि ये दो रूल अप्लीकेबल होते हैं कि आपको कहाँ पर डिवीजन बंद करना है, कहाँ पे प्रोसेस बंद करना है, तो वो मैंने आपको वहाँ पे बता दिया था रूल्स में। आई होप यू गॉट यू नो लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो मैंने थोड़ा सा डीप में हर चीज़ करके आपको स्टेप्स बताए, फिर उसके बाद मैंने ये बताया कैसे परफॉर्म करते हैं, और मैंने ये बताया कि रफ कॉलम का आप कैसे यूज करोगे। ये सिर्फ बिगिनर के लिए है, रफ कॉलम बिगिनर के लिए है, अदरवाइज जब आप 8-10 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे उसके बाद आप एक्सपर्ट हो जाओगे, तो आपको रफ कॉलम में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ डायरेक्टली गेस कर लोगे, गेस करने के बाद जैसे ही क्वेश्चन का टर्म आएगा तब डायरेक्टली आप यहाँ पे डिवीजर से मल्टीप्लाई भी डायरेक्टली कर लोगे, आपको रफ कॉलम की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बिगिनर में जो बच्चे बिल्कुल अभी नए नए कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप रफ कॉलम का यूज़ करो टू अवॉइड एनी यू नो अनवांटेड मिस्टेक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून विद द नोटिफिकेशन। थैंक यू ऑल।